दोस्तों जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो पहले वीकेंड में इफ नॉट द फर्स्ट वीक पहले वीकेंड में फिल्म से जुड़े सारे लोग बहुत नर्वस होते हैं दे आर ऑन टेंटर हुक्स बिकॉज पब्लिक का कुछ बोल नहीं सकते हैं पब्लिक कभी कभी फिल्म को फुल मार्क्स दे देती है ऑन द ओपनिंग डे लेकिन बाद में चल के उस फिल्म को रिजेक्ट कर देती है दफ फर्स्ट वीकेंड इज वेरी क्रूशियल लेकिन आज हमारे स्टूडियो में जो डायरेक्टर आए हैं शायद वो पहले डायरेक्टर है हु सो कॉन्फिडेंटली और कॉन्फिडेंस क्यों नहीं झलकता आफ्टर ऑल ही इज द डायरेक्टर ऑफ एक था टाइगर व्हिच हैज ओपनड टू आउटस्टैंडिंग बम्पर हिस्टोरिक अर्थ शटरिंग जो भी मैं एडजेक्टिव यूज करूं वो कम है टू दैट रिस्पांस फ्रेंड्स लेट्स वेलकम कबीर खान कबीर वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस थैंक यू सो मच मुझे ये बताइए uh, जो फिल्म से जुड़े लोग होते हैं डायरेक्टर हो या एक्टर्स हो uh, हमेशा नर्वसनेस होती है लेकिन आपके केस में किस टाइप की नर्वसनेस है बिकॉज भगवान न करे ये फिल्म बुरी भी होती बहुत भयानक होती तो भी प्रोड्यूसर्स को 35-40 करोड़ का प्रॉफिट होता mm -hmm. तो किस टाइप की नर्वसनेस आपने एक्सपीरियंस की बिफोर द रिलीज दिल ऑनेस्टली नर्वसनेस नहीं हुई मुझे uh, क्योंकि मैं उस किस्म का आई एम नॉट दैट पर्सन थोड़ी सी नर्वसनेस और स्ट्रेस uh, कम लेता हूं लेकिन एक एंटिसिपेशन है क्योंकि जैसे आपने कहा कि नंबर्स तो ऑब्वियसली बहुत बड़े आ रहे हैं आते रहेंगे आ, बहुत सारे रीजंस हैं उसके सलमान खान कटरीना कैफ टू बिग स्टार्स यशराज के साथ आ रहे हैं एक साल के बाद आ रहे हैं तो नंबर्स ऑब्वियसली रहेंगे लेकिन मेरे को लगता है कि एक फिल्म को नंबर्स के बियॉन्ड जाना चाहिए और तो उसकी नर्वसनेस थोड़ी मुझे है, है? क्योंकि आजकल आप लोग कह रहे हैं जैसे सौ करोड़ क्लब या डेढ़ करोड़ क्लब अब वो मुझे मालूम है यहाँ बैठे बैठे कि सौ करोड़ तो ऑब्वियसली होंगे ही होंगे हमारी फिल्म के लेकिन सौ करोड़ के आगे एक जो ऑडियंस अप्रिसिएशन है विल दे से कि, uh, कि हां ये परफॉर्मेंस में इन्होंने बाउंड्रीज पुश करी हैं या सिनेमाटोग्राफी में या हमारे एक्शन में आ, वो ट्रू अप्रिसिएशन है और वो ट्रू सक्सेस है कि नंबर्स तो हों ऑब्वियसली नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक कमर्शियल मेनस्ट्रीम सिनेमा के लिए लेकिन उसके साथ साथ अगर ट्रू अप्रिसिएशन मिले ऑडियंस से तब मजा आए अगर मैं पूछूं कि अप्रिसिएशन और नंबर्स uh, कभी कभी ऐसे भी होता है कि अप्रिशिएट बहुत होती है फिल्म नंबर्स नहीं मिलते हैं कभी कभी नंबर्स मिलते हैं और आपकी सलमान का ही uh, की ही एक पास्ट फिल्म है जिसको नंबर्स बहुत मिले थे लेकिन अप्रिसिएशन बिल्कुल नहीं मिला था यू नो एटलीस्ट क्लासेस का एंड दो राइट मीडिया का अप्रिसिएशन नहीं मिला था विच इज नॉट रियली वेरी मटीरियल बिकॉज फाइनली मासिस पिक्चर को चलाती है तो अगर मैं आपको पूछूं कि इफ दीज वर एप्सल्यूटली डायमेट्रिकली ऑपोजिट तो आप किससे ज्यादा खुश होते ऑनेस्टली आई डोंट थिंक ये दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट हो सकते हैं क्योंकि एज आई सेट कि हां नंबर्स आर नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लेकिन नंबर्स ऑल्सो शो कि ऑडियंस जाके देख रही है नहीं। आपकी फिल्म एक बार ही नहीं जा रही है दो बार ही जा रही है तो आई थिंक वो बैलेंस करेक्ट है कि नंबर्स भी आए प्रॉफिटेबल फिल्म हो ताकि सब जो इन्वॉल्व हैं फिल्म में खुश हों कि हाँ भैया पैसे बनाए हैं सबने और उसके साथ अप्रिसिएशन भी आए तो ये दोनों जब जुड़ के आती हैं तब मजा आता है Or... Uh... इसलिए आप कहते हैं कि ये जो अप्रिसिएशन है उसके लिए थोड़ा नर्वसनेस है नॉट फॉर द नंबर्स नहीं नर्वसनेस बट ये है कि हाँ एवरीबडी वॉन्ट्स सिर्फ नंबर्स अगर आए और लोग बोलेंगे कि हाँ नंबर्स हैं तो ऑब्वियसली लोगों को पसंद आ रही है वो एक अलग बात है लेकिन एक जब फीडबैक मिलता है लोगों से आप लोगों को सड़कों पर मिलते हैं रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं लोग आपके आपके पास आके कहते हैं कि हमने आपकी फिल्म देखी वो बहुत मजा आता है यू नो आई एक्सपीरियंस दैट इन अ मच स्मॉलर फिल्म इन माई लास्ट फिल्म इन न्यूयॉर्क यॉर्क आई रियली एक्सपीरियंस एट हाई ऑफ पीपल कमिंग टू मी एंड सेंग कि यू नो बहुत अच्छी लगी आपने वो सब्जेक्ट जैसे डील किया कोई आके कहता था चार दिन से मैं रो रही हूँ फिल्म देखने के बाद या यू you नो know, वो अभी तक मेरे जहन में बैठा हुआ है वो कैरेक्टर तो वो मजा बहुत आता है एंड कोर्स न्यूयॉर्क वॉज ऑल्सो कमर्शियली सक्सेसफुल तो जब वो एक दोनों का एक कॉम्बिनेशन आता है ट्रू सक्सेस और अब जब रिलीज हो गई आज दूसरा दिन है फिल्म का अम,

Work and work, मैं बाहर जा नहीं पाया हूं लेकिन कल से कबीर <laughs> uh, जी मुझे जब सलमान खान की कोई फिल्म रिलीज होती है, स्पेशली लास्ट तीन चार साल में हमने ये देखा है कि सलमान एक फिनोमिनन बन चुके हैं और uh, क्या आपको इस बात का भय है डर है कि अगर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर होती है तो 80 परसेंट नाइन्टी परसेंट क्रेडिट तो सलमान ही लेके जाएंगे शायद डायरेक्टर के हिस्से राइटर के हिस्से कुछ ज्यादा नहीं आए आयु और, एक, कि audience कि कि या चलो यार बना देते हैं फिल्म सलमान खान है लपेट लिए हाँ, लपेट लिएगी <laughs> लिए कटरीना क्या सलमान खान है mm -hmm. कर लो जो करना है बहुत मेहनत करी है पांच मुल्कों में शूट किया है नाइन सिटीज एक्शन आप देखेंगे तो आई यू कितना काम उसमें गया है तो एक उसकी खुशी है और दूसरी मुझे लगता है जब क्रेडिट किसी को ड्यू होता है ना वो आ जाता है यू डोंट हैव टू डिमांड इट अगर ऑडियंस देखेगी और उनको पता चलेगा या वो देख के अप्रिशिएट करेगी यार ये फिल्म थोड़ी अलग लग रही है क्योंकि इसमें हमें लग रहा है कि डायरेक्शन अच्छा है दे विल गिव मी माय ड्यू सो वो बिल्कुल नहीं है सलमान खान इज अ ग्रेट एसेट फॉर मी एंड यू हैव टू टेक दैट पॉजिटिविटी ऑफ द एसेट एसेट एंड एंड कैरी फॉरवर्ड ही इज गो मेक द फिल्म बिगर बट एट द एंड ऑफ द डे मै वेरी स्ट्रांगली आई बिलीव नथिंग इज बिगर देन अ फिल्म और आपको कब ये फीलिंग आई कि एक ब्लॉकबस्टर बनने जा रही है या रिलीज होने जा रही है सच बताइए स्क्रिप्ट लेवल पर या जब शूटिंग कर कर रहे थे या फर्स्ट कॉपी जब देखी या रशेस देखे जब शूटिंग वूटिंग चल रही थी तो हम थोड़े से डिटेच थे असली में जब इट हिट मी की यार ये फिल्म कुछ बहुत बड़ी होने वाली है <laughs> जब मैंने वहां पहला प्रोमो रिलीज किया और उसका जो रिएक्शन आया आई वाज कंप्लीटली टेकन अबैक मतलब 24 घंटे में एक मिलियन हिट्स और एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट इट और वो था क्या वो अगर आप उसको देखें रिस्क वी वी बिकॉज डिबेटेड अबाउट द प्रोमो उसमें 40 सेकंड की ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट्री फुटेज है और 20 सेकंड के सलमान खान लोग कुड हैव इजीली सेड कि ये एक साल के बाद बीस <laughs> सेकंड <laughs> उसका एक जो आई थिंक उसने जो एक बेस और जो कॉन्टेक्स्ट स्टोरी का आया वो mm. फुटेज की वजह से दैट मेड द 20 ऑफ सलमान खान इवन बिगर एंड ग्रैंडर तो उसका जब रिस्पॉन्स आया पहले प्रोमो टीजर प्रोमो का तब मुझे समझ में आया कि अच्छा आई एम सिटिंग ऑन सम ह्यूज प्रॉपर्टी और आपने कहा कि बहुत डिबेट हुआ तो मतलब ऐसे भी सोचा कि इस टाइप का टीजर ट्रेलर रिलीज नहीं करना हाँ, चाहिए देखिए जब टीजर आजकल की यू यू नो नो बेटर फर्स्ट लुक इज द ऑल इंपॉर्टेंट थिंग क्योंकि आप अगर उसमें चुक गए हुँ. आप वो डैमेज नहीं आ, रिवर्स कर सकते correct, हैं बिकॉज पहला लुक जो होता है अगर वो बैंग ऑन बैठ गया हुँ. उसके बाद इट्स उस, स्मूथ सेलिंग correct. तो हम चाहते थे क्या करें अब एक आसान रूट हो सकता है कि सलमान खान की फुटेज लो कटरीना कैफ की फुटेज लो एक मिनट का मॉन्टाज okay. बनाओ गाना डालो और exactly. निकाल दो बहुत से लोग हो जाएंगे खुश नहीं लेकिन ये फिल्म उस किस्म की नहीं है ये फिल्म इस पुशिंग बाउंड्रीज चाहे परफॉर्मेंस hmm. हो चाहे एक्शन हो चाहे स्टोरी टेलिंग हो तो वी वॉन्टेड टू बी ट्रू टू फिल्म हमने कहा नहीं इसका कॉन्टेक्स जो है फिल्म का वो लेट्स ले डाउन और देखते हैं कि लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन और क्या रिएक्शन आता है एंड देफो वी वेंट विद गट फीलिंग एंड आई एम रियली हैप्पी इट वर्क पता मुझे कब एहसास हुआ कि आप लोग एक गोल्ड माइन बना रहे हैं जब इस फिल्म का टाइटल आउट, आउट हुआ था हाँ। मैंने ये कहा था आ, मेरे दोस्तों को कि एक था टाइगर ये टाइटल सौ करोड़ का है उससे ज्यादा फिल्म क्या करती है देखना है दिस टाइटल इज वर्थ वेड करोड़ बिकॉज आई थिंक इट्स सच सच्चो कमांडिंग टाइटल एंड इतना वजनदार टाइटल है ये टाइटल किसकी हमारी है खुद जब हम लिख रहे थे मैं और माई को राइटर नीलेष तो हमने एक तो कैरेक्टर इतना लेजेंडरी कैरेक्टर बना ये टाइगर रियलिटी uh, से बहुत ड्रॉ किया हमने uh, जब फाइनली लिखा और जब कैरेक्टर उभर के आया तो इट वाज लाइक अ वेरी लार्ज इन लाइफ कैरेक्टर फिर उसके ऊपर सलमान खान का एक एंट्री तो वी थॉट कि कितने एक्टर हैं इंडस्ट्री में जिनको आप टाइगर बुला के यू वोंट फील चीजी

Uh, हाँ, तो, हाँ, हाँ, तो, कुछ, कुछ हाँ, लोगों ने कहा था का मतलब क्या, मतलब क्या या वो तो मर जाते हैं <laughs> या है, ऐसे नहीं ये सब जब लोग फिल्म देखेंगे, ट्रेलर देखेंगे सब क्लियर हो जाए बिलीव अब फिल्म से देखने से पहले आप कुछ भी कहें कुछ भी रिएक्ट करें अल्टीमेटली फिल्म जब आएगी सब क्लियर हो जाता है और जब फिल्म लोग देखेंगे सब समझ में आ जाएगा क्यों एक था टाइगर और सलमान खान की अगली फिल्म जो आप बना रहे हैं उसका टाइटल क्या है <laughs> अभी नहीं तो, मैं क्यों पूछा क्योंकि जॉन इब्राहिम के साथ आपने काबुल एक्सप्रेस बनाई और न्यूयॉर्क बनाई कटरीना कैफ के साथ न्यूयॉर्क बनाई और जी, एक था टाइगर बनाई तो ऑब्वियसली सलमान <laughs> के साथ भी दो बनाएंगे अभी तो देर इज नो थॉट अभी मैं एक दो स्क्रिप्ट्स पे काम कर रहा हूँ लेकिन कुछ ये डिसाइड नहीं किया कि उसमें कौन एक्टर होंगे कौन स्टार होंगे और यशराज फिल्म्स के साथ जी. कुछ कॉन्ट्रैक्ट है और यो सिक्योर मेकिंग फिल्म और यशराज फिल्म और दे आर वेरी सिक्योर विद यू एंड दे विल नॉट लेट यू गो आई लव मेकिंग फिल्म यशराज फिल्म जी आई मीन दे आर वेरी सॉलिड प्रोड्यूसर्स एंड उससे ज्यादा सिर्फ सॉलिड प्रोड्यूसर से ज्यादा आदि चोपड़ा ने मुझे जितना एक ट्रस्ट और रिस्पांसिबिलिटी दिया अगर आप मेरी फिल्मोग्राफी देखें तो द क्वांटम लीप्स हीज मेड मी डू फ्रॉम अ फोर करोड़ फिल्म काबुल एक्सप्रेस टू मच मोर एक्सपेंसिव न्यू यॉर्क एंड देन एक्स्ट्रेट लीप टू देर बिगेस्ट सिव फिल्म एवर आई थिंक दैट शो दैट ही लॉट ऑफ ट्रस्ट इन मी एंड बैक्ट मी ऑल द वे मतलब कभी भी उन्होंने ये नहीं कोशिश करी कि मेरे विजन को डायल्यूट करें या मेरे विजन को चेंज करें बल्कि वो जब एक वनलाइन स्टोरी भी मुझे देते थे ही ये है अब तुम इसको अपनी दुनिया में ले जाओ जो idea स्टोरी है वो आधी की है लेकिन सर इसको तुम तो अपनी दुनिया में ले जाओ बिकॉज ही नो मैं बहुत रिसर्च करता हूँ अपने जो भी मेरी फिल्म का एक बैकड्रॉप होता है क्योंकि मेरा हमेशा कोशिश ये रहती है फिल्मों में कि एक बहुत सॉलिड रियल कॉन्टेक्स दू एक बैकड्रॉप दू जिसका असर हमारी स्टोरी तो अल्टीमेटली ह्यूमन स्टोरी होनी चाहिए पीपल रिएक्ट टू एंड यू नो गो अलोंग विद द कैरेक्टर्स लेकिन एक एंगेजिंग बैकड्रॉप अगर हो तो जो फोरग्राउंड की स्टोरी है वो भी बड़ी हो जाती और के आती के आती है उभर के निकलती है तो एक था टाइगर में भी ही द सेम थिंग ंग आई वुड लव टू कंटिन्यू वर्किंग विद विद्रैक्ट बाय कॉन्ट्रैक्ट माय कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर थ्री कॉन्ट्रैक्ट जी जी और मैं बाहर कर सकता हूँ वो भी अभी डिसीजन नहीं लिया है हो सकता है एक बाहर करूं और उसके साथ डिवेलप करके यशराद के साथ एक और करूं हो सकता है फोर्थ यशराद के सरों के साथ करूं और फिफ्थ बाहर करूं सलमान खान को लेने के लिए मतलब आपने कब सोचा स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद जी या स्क्रिप्ट जब लिख रहे थे तो तब आपने सलमान खान को ध्यान में रखते हुए स्क्रिप्ट लिखी नहीं स्क्रिप्ट जब मैं लिख रहा था मेरे ध्यान में सिर्फ कटरीना कैफ थी अच्छा uh, हाँ आई वॉज राइटिंग जोया का कैरेक्टर वो मुझे क्लियर था कि ये कटरीना है uh, क्योंकि कटरीना के साथ न्यूयॉर्क कर चुका था मैं जो एक बहुत सक्सेसफुल कोलेब्रेशन रहा उनकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस डुआस जो भी वो एज एन एक्टर लाती हैं ऑन द टेबल वो मैं बहुत अच्छी तरह जानता था बहुत करीबी दोस्त हैं वो मेरी अः uh, तो मैंने सोचा कि जोया के लिए वो परफेक्ट रहेंगे जब आप फिल्म देखें देखेंगे या अभी फिल्म जब लोगों ने देखा है तो उनको समझ में आ रहा है कि वाई कटरीना इज परफेक्ट तो uh, uh, उस टाइम सिर्फ कटरीना थी टाइगर जब जब पूरा कैरेक्टर उभर के हमारे सामने खड़ा हो गया तब आदि और मैंने ऑलमोस्ट इंस्टेंटली बोला यार ये सिर्फ सलमान हो सकता है एंड द वे द स्क्रिप्ट इज टुडे एंड द वे द स्टोरी इज टुडे वो सिर्फ सलमान के साथ हो सकती है एट द सेट यू नो यू सी द फिल्म यू रिलाइज देर इज ओनली वन टाइगर इन द इंडस्ट्री जस्ट सो

स्टार वैल्यू इमेंस है सुपरस्टार वैल्यू इमेंस है मगर साथ-साथ में ये भी पता है लोगों को ही इज अ टेंपरामेंटल एक्टर मूडी है ही हैज हिज मूड स्विंग्स एंड आई डोंट नो हाउ फार दी स्टोरीज आर ट्रू बट ही इज नोन टू इंटरफेयर ऐसे नहीं बस बस ठीक है ओके इट्स ओके नॉट वाज दैट अ मैटर फॉर कंसर्न ये काफी मुझे पूछा है सवाल आई फील सलमान बहुत ही मिस रिप्रेजेंटेड एक्टर है प्रेस में hmm, की. मेरे साथ जो एक्सपीरियंस रहा बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा लोगों ने मुझे काफी बार ये पूछा कि ये इंटरफेयर करते हैं मैं मेरे को ये बात कभी समझ में नहीं आती बिकॉज मैं तो ये कहता हूं कि अगर मेरा मेन एक्टर में मुझे 20 सजेशन ना दे तो I'll be scared कि मुझे लगे या तो ये ब्रेंडेड है या इसको इंटरेस्ट ही नहीं है ये कह रहा चलो पैसे मिल रहे हैं कर लेते हैं तो आ, मैं तो सीकआउट करता था कि अब ये सीन है

इंटरफेरेंस जो वर्ड है वो मैं सोचता हूं अगर कोई डायरेक्टर बोलेगा कि मेरा एक्टर इंटरफेयर करता है तो वो डायरेक्टर या तो बहुत ही इनसेक्योर डायरेक्टर है या क्रिएटिवली बहुत एरोगेंट डायरेक्टर है फॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक आई एम इधर ऑफ द टू कभी कभी होता है कि कुछ एक सजेशन आता है मेक्स यू थिंक अरे यार ऐसा तो नहीं था मैंने एंड दैट स्क्रिप्ट बेटर and today there are gems in the film in terms of lines, in terms of additions that have come from salman, but there are lots of suggestions that i rejected and did not take, and he was never upset about that. so this is something that i wanted to very strongly state that nothing is interference in filmmaking. it's all about collaboration, suggestions and involvement, and debate and involvement. कभी यशराज की जो फिल्में होती है उनका म्यूजिक इज ऑलवेज ऑलमोस्ट ऑलवेज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट एक दो गाने ऐसे होते हैं जो ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स होते हैं सलमान खान की फिल्मों के साथ भी लेटली ये देखा गया है इस फिल्म में ऐसा गाना जिसको बोलते ना हम के यार वो गाना याद आ जाए वैसा गाना नहीं है इंटेंशनल और ऐसा गाना मिला नहीं नहीं आई थिंक uh, नहीं कोशिश तो ऑब्वियसली रहती कि वी ब्रिंग एज बेस्ट म्यूजिक टू द फिल्म एज पॉसिबल लेकिन ये उस किस्म की है नहीं फिल्म जो सॉन्ग्स के अराउंड रिवॉल्व करती है okay. इसमें जो है गाने जो है नेगेटिव में बहुत दे गो इन वेरी स्मूदली और स्टोरी टेलिंग बहुत आगे ले जाती है एक एक जो बहुत कॉन्शियस डिसीशन था जो हमने किया था जो सोहेल को दिया था ब्रीफ और सोहेल सेन को और साजिद वाजिद को कि हम जिस जिन मुल्कों में शूट कर रहे थे जो तीन मुल्क हैं जैसे टर्की है आयरलैंड है क्यूबा है ये तीनों का जो म्यूज़िक इंफ्लुएंस है जो इनकी कल्चर का जो म्यूज़िक का इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड वाइड वो बहुत स्ट्रॉन्ग है केल्टिक म्यूजिक फ्रॉम आयरलैंड टर्किश म्यूज़िक सूफी म्यूजिक क्यूबन फेमस करेबियन म्यूजिक सो ब्रीफ ये था कि हर गाने में ये लोकल म्यूजिक का एक एलिमेंट हो इन अच्छा। बहुत जरूरी है क्योंकि नहीं तो ये लगेगा कि यहाँ हर जगह म्यूजिक तो, वो कोशिश करिए इसलिए आप बंजारा देखें जो डबलिन में आ, फिल्म किया है उसने बहुत स्ट्रॉन्ग कैल्टिक इन्फ्लुएंस है आयरिश म्यूजिशन के साथ इंट्रैक्शन किया माशा में बहुत स्ट्रॉग टर्किश स्ट्रोक मिडल ईस्टर्न इंफ्लुएंस है लापता में क्यूबन इन्फ्लुएंस है और

और आपने तीन फिल्में बनाई हैं यशराज के लिए एज यू सेड द बजट हैव बीन ग्रोइंग पहले एक बहुत ही मॉडेस्ट बजट की फिल्म थी उसके बाद बड़े बजट की और ये सुपर बड़े बजट की मेरे ख्याल से ये यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी जो फिल्में हैं उनमें से सबसे कॉस्टली फिल्म ये है जी, जी, तो ये भार कहीं आपके शोल्डर्स पर या आपके सर पर बहुत महसूस आप करते हैं इसका वजन बहुत ज्यादा था ड्यूरिंग द मेकिंग और एट द टाइम ऑफ रिलीज कि फाइनली इट्स सो मच अंबानी जी नहीं ऑफ़ कोर्स एक सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी होती है कि आप इतने बड़े बजट की फिल्म बना रहे हैं हैव टू बी रियली केयरफुल कितना बजट है इस फिल्म का 85 फाइव नाइन्टी करो And everything all inclusive must be actually about 75 to 80. 75 yeah, to 80. I mean, the exact figure would be something ha. that Yashraj would be mm -hmm. able to release. But now. 75 to 80 uh, 75 to 80 is what I would say, uh, all inclusive. Uh, which includes the promotion, etc. Which I think would include. I'm not very clear on mm -hmm. the figures. The but figure. roughly. roughly. So in it's 5-10 uh, crore here and uh, there. Here and there, right. uh, Exactly. But what is it that when you have a Kabul Express film bigger than that, then you know. Uh, एक था टाइगर दिस ऑफ ऑफ जायंट अ बजट लेकिन मुझे लगता है ना एवरी स्टोरी डिक्टेट्स इट्स ओन ट्रीटमेंट काबुल एक्सप्रेस को पचहत्तर करोड़ के साथ में कुछ कर नहीं सकता न्यूयॉर्क uh, की जो कहानी है उसकी ट्रीटमेंट और उसका जो माउंटिंग है वो करेक्ट है correct. कहीं भी कम नहीं है ऐसा नहीं correct. है कि uh, हम और बड़ा करना चाहते थे न्यूयॉर्क में और पैसों की वजह से नहीं किया जितना करना चाहते थे हमने न्यूयॉर्क में किया कहीं हमने होल्ड बैक नहीं किया एक था टाइगर में भी ये है लेकिन एक था टाइगर में क्योंकि एक

दैट इज रीजन वाई इट्स वर्किंग क्योंकि वो इतना स्टोरी टेलिंग उस एक्शन में आ जाता है कि द ऑडियंस स्टॉप वॉचिंग इट लाइक एक्शन एंड स्टार्ट वॉचिंग इट लाइक ड्रामा

who went on to make the very successful Mere Brother Ki and is now making. Even he always uses Mini uh, as a sound recording. Anyway, I want to bounce it off you. So she spends all the time, you know, reading his scripts also, uh, my scripts. So she's always involved. So mm -hmm. by the time, फिल्म बन के आती है शी नोज इट सो सीज ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस लेकिन आई टेक हर वर्ड वेरी सीरियसली बिकॉज आई फील शी इज क्वाइट अ करेक्ट बैलेंस बिटवीन इंजॉइंग मसाला फिल्म एंड बींग डिसर्निंग सो एंड इवन आदि एक्चुअली यू नो थिंग्स अ परफेक्ट टेस्ट ऑडियंस सो ही कॉल्स वेरी ऑफन टेस्ट स्क्रीनिंग की तो मतलब क्या लगा सो या बट शी इज द ग्रेटेस्ट आई मीन शी विल नेवर हेजिटेट इफ शी सी समथिंग शी विल से दिस इज

सी फिल्म मेकिंग इतनी सब्जेक्टिव चीज है कि अ थाउजेंड पीपल कैन कम अप विद डिफरेंट एंड दे ऑल करेक्ट इन देयर ओन वे सो अब कहीं यू हैव टू से कि यार मेरे को ऐसे बनानी है और मैं समझता हूं ये चलने वाली है टू अ लार्जर ऑडियंस तो uh, लेकिन टू पीपल हु आई अपार्ट फ्रॉम मिनी फिल्म बहुत बढ़िया है वाज लाइक ऑलमोस्ट लाइक जैसे कि एक फाइनल एग्जाम के रिजल्ट आ गए वाज मिस्टर यश चोपड़ा लिविंग लेजेंड ऑफ इन इन डायरेक्टर्स एंड सलीम खान साहब लेजेंडरी स्क्रीन राइटर जिनके स्क्रीन प्ले हम स्कूल फिल्म स्कूल में पढ़ते थे टू फाइंड आउट की यू नो टाइट स्क्रीन पे कैसे तो आपको उनकी है? कोई ट्रॉफी मिली कि नहीं अरे ही हक भी बड़ी ट्रॉफी केम आउट उनको उनको हमें एविड में दिखाई फाइनल <laughs> uh, अच्छा। भी नहीं मिला था नॉट इन ट्रायल हॉल नहीं बिकॉज सलीम साहब को मैं ट्रायल हॉल पे नहीं दिया मैं सलीम साहब को हम चाहते थे कि ऐसे पॉइंट पे दिखाएं कि कल को अगर वो बोलेंगे यार ये ठीक नहीं है तो हम वो कर सकें बिकॉज आई मीन ही इज अ मास्टर ऑफ स्क्रीन प्ले तो हमने बहुत पहले उनको दिखाया एबिट uh -huh. uh, पे दिखाया म्यूजिक भी कच्चा था बैकग्राउंड भी कच्चा था विजुअल सारे इफेक्ट आए नहीं थे लेकिन इज अ ट्रेन पर्सन ही नोज हाउ टू रीड अ फिल्म और वो जो बाहर निकले ही स्माइलिंग एंड ही मी एंड ही सेड दिल खुश हो गया बहुत दिनों के बाद एक सलीके की फिल्म सेड तो, uh, अच्छा फुल स्टॉप जिसको जो कहना है मुझे, uh, मुझे मालूम है आपने मुझे बुलाया था कि मैं आपको कुछ दू चेंज करो या एड करो लेकिन मैं तो कल से सोच रहा हूँ और जैसी है बहुत खूबसूरत फिल्म है इसको आप ऐसे ही रिलीज करिए और अगर एक परसेंट डाउट भी आपके दिमाग में है इस फिल्म के बारे में तो घर जाके सो जाओ I literally went home and I <laughs> <गया>। <laughs> तो नींद बहुत अच्छे से आई होगी सुकून की नींद आई होगी और आखिर में कबीर जी मुझे ये बताइए अब स्टार्ट तो ले चुकी है जनरली मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं जब एक हफ्ते पहले कोई आते हैं आपके फिल्म स्टार्स आए थे सलमान खान और कतरीना कैफ आए थे मैंने उनको भी पूछा था कि फर्स्ट डे क्या होगा फर्स्ट वीकेंड क्या होगा अब तो आपके पास तो एक रेफरेंस पॉइंट है द फर्स्ट डेज स्टार्ट वॉज हिस्टोरिक एप्सोल्यूटली ब्रिलियंट आपको क्या लगता है अगेन आर्टिस्टिकली तो नहीं बात करते व्हाट कैन बी क्वांटिफाइड आपको क्या लगता है ये नेट ऑल इंडिया कहां जाके रुकेगी भगवान करे ये कभी नहीं रुके बट कहीं तो जाके रुकेगी जी. Honestly, uh, I'm, I'm very bad with numbers. Uh, जैसे मैंने कहा इतने numbers लोग बोलते थे uh, जब मिलते थे क्या promo बनाया है, सर आपने 200 करोड़ बहुत ज्यादा प्रोमोस है एक सौ अस्सी करोड़ की number क्यों आता है तो as I said, मेरे को कभी कभी लगता था मैं एक कंपनी का IPO launch कर रहा हूँ film नहीं release कर रहा हूँ uh, तो numbers मुझे नहीं मालूम numbers बहुत बड़े होने वाले हैं I mean you know it, बेटर देन मी कि जिस तरह की ट्रेंडिंग चल रही है इस फिल्म की नंबर्स बहुत बड़े होने वाले हैं और होपफुली अगर यू नो फॉर प्रोड्यूसर्स इट गोज ऑन टू ब्रेक रिकॉर्ड्स एंड यू नो सेट अप न्यू बेंच मार्क्स इन बिजनेस आई बी वेरी हैप्पी लेकिन मोर इंपॉर्टेंट देन नंबर्स आई एम वेटिंग फॉर दैट दैट ट्रू अप्रिसिएशन जो कि आपको आ, मेरे ख्याल से इस इंटरव्यू के बाद ही मिलना शुरू हो जाएंगे आप स्टूडियो से बाहर जाइए और आपको कोई ना कोई मिलेगा जो बोलेगा बहुत प्यारी फिल्म थी एंड यू नो कबीर जी मुझे आपको एक चीज बोलनी है अच्छा है यू नॉट बीन करप्टेड बाय नंबर्स शायद इसी वजह से आपकी फिल्में इतनी अच्छी होती है दे आर अ गुड मिक्स ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट एंड जस्ट स्टे लाइक दैट थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू तो दोस्तों ये थे कबीर खान अगर मैं ये कहूं कि अगर आपने इनकी फिल्म एक था टाइगर नहीं देखी है तो ऑब्वियसली अल बी अ फूल आप लोगों ने देखी है इसीलिए तो ये नंबर्स आए हैं बस ये कहूंगा कि अगर सेकंड टाइम नहीं देखी है तो प्लीज रेस्ट टू द सिनेमाज लेकिन जिन्होंने अब तक नहीं देखी है यू you नो know, जिनको टिकट्स नहीं मिली पहले उनको देखने दीजिए उसके बाद आप सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ टाइम देख सकते हैं बट देखिएगा है जरूर बिकॉज इट हैज टू रिपीट वैल्यू